कुक विद गुलनूर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 12 किलो दूध की खीर। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी मेथड को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो आपको साथ साथ मैं मेजरमेंट भी बताती जाऊंगी कि किस कौन सा सामान हमने कितना यूज़ किया। तो ये 150 कटोरियाँ हमने यहाँ पर निकाली खीर, ये देख लीजिए कितना गाढ़ा इसकी कंसिस्टेंसी है और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की बनी थी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 12 किलो दूध, तो इसको हमने हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है। तो जब इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 12 किलो दूध लिया है तो इसमें हम 1 किलो चावल डालेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे 2 किलो खोया और इसी के साथ हम डालेंगे 2 किलो शक्कर। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर दूध में एक उबाल आ चुका है। अब हमने जो बड़ा सा एक चम्मच ले लिया है लकड़ी का, तो ये फैले मुँह का है, घोटने वाला है, तो इससे हम चलाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा चलाएंगे, जब दूध का एक पार्ट रेड्यूस हो जाएगा तब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो किनारों पे चिपका हुआ दूध है उसे भी हम निकाल निकाल कर साथ में डालते जाएंगे और दूध को लगातार हम चलाते रहेंगे। तो हैवी बॉटम आपको लेना है, कोई भी वैसे लीजिएगा, जिस भी भगोने में या जिस चीज़ में भी आप पका रहे हैं वो बहुत हैवी बॉटम का होना चाहिए ताकि इसमें नीचे दूध या खीर जलने ना पाए। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है, आप चाहें तो मिल्क पाउडर से भी इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा कि चावलों को पहले पानी में उबाल लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड करिएगा। तो यहाँ पर हम अब चावल ऐड करेंगे। तो चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर पौना वाला चावल हम यूज़ कर रहे हैं जिसको एक दो बार मिक्सर में चला कर हमने 2-3 पार्ट में बस डिवाइड कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस 2-3 पार्ट में हो जाए चावल इतना हमको करना है। तो आप चाहें तो खंडा भी ले सकते हैं या फुल बासमती राइस भी ले सकते हैं, जो भी आप प्रीफर करती हूँ। तो चावलों को आधा घंटा भिगोने के बाद हमने इसका पानी ड्रेन कर दिया था और इसको थोड़ा सा इसको सुखा लिया था हमने। तो इसका इसमें मॉइस्चर है लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपकी राइस खीर बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए आगे करते हैं। तो चावलों को एक हाथ से डालते जाना है और दूसरे हाथ से चलाते जाना है चम्मच को। तो चम्मच को बिल्कुल भी रोक कर नहीं रखना है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तो आप किसी दूसरे से भी चलवा सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर चलवा रही हूँ। तो बिल्कुल भी हाथ रोक कर नहीं चलाना है क्योंकि यहाँ पर लंप पड़ने का खतरा रहता है। तो जिस टाइम पर चावल डालना है बहुत केयरफुली डालना है, एक हाथ से डालकर चलाना ज़रूर है। तो अब यहाँ पर एक कढ़ाई हमने ले ली है और इसमें डाला है हमने 2 चम्मच देसी घी और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिरौंजी। तो ये 250 ग्राम चिरौंजी है जिसे हम यहाँ पर हल्का सा लाइट फ्राई कर लेंगे इसको। तो आप चाहे तो 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ चिरौंजी डाल लें। तो रबीउल अव्वल स्पेशल हमारी जो खीर बन रही है इसको हमने 150 लोगों में तकसीम करना है। तो ये देख लीजिए इस तरह से ये फ्राई हो चुकी है, बस हमें हल्का सा इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन और जो स्मेल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर खोया ले लिया है, ये 2 किलो खोया है जिसे हमने थोड़ा थोड़ा सा घी डालकर इसमें, ये देसी घी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसमें डालकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो घी लगा है वो 150 ग्राम लगा है। तो खोए को यहाँ पर हम घी में भूनकर इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो खोया है इसके खीर ख़राब ना होने पाए। तो अगर बिना भूने हम खोए को इस्तेमाल करेंगे तो खीर के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर खोए को घी में इसलिए भून रहे हैं ताकि ये ब्राउन कलर का ना होने पाए, अगर बिना घी के आप भूनेंगे तो ये ब्राउन हो जाता है। तो 3 से 4 बार में हमने खोए को भून लिया है, ये 2 किलो खोया हमारा भून चुका है 4 बार में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल येलो कलर में ही है, इसका कोई कलर नहीं चेंज हुआ, एज इट इज़ इसी फॉर्म में रहेगा ये, क्योंकि हमने इसको घी में भुना है। तो अब यहाँ पर दूध हम बराबर चला रहे थे, तो सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं, सब ने चलाई है बारी बारी। तो अब हम यहाँ पर शक्कर ऐड करेंगे। तो ये 2 किलो शक्कर है जिसे हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें और इसको अब लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो शक्कर डालने के बाद शक्कर भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ती है, तो इसमें और थोड़ा सा हमें चलाना पड़ेगा। तो अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब हमारे चावल भी अच्छे से गल जाएंगे, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो चावल गलने के बाद ही हमने यहाँ पर शक्कर को डाला है। तो ये देख लीजिए चावल यहाँ पर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें शक्कर भी ऐड कर चुके हैं, अब हम इसको बस पकाना है लगातार चलाते हुए। तो यहाँ पर हमें हो चुका है आधा घंटा लगातार चलाते हुए शक्कर डालने के बाद। तो अब ये कंसिस्टेंसी इसकी धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पर हमने 20 ग्राम इलायची पाउडर डाला है, आप चाहें तो इलायची भी पूरी पूरी डाल सकते हैं, तो उसे स्टार्टिंग में डालिएगा अगर आपने इलायची डालना है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो चिरौंजी फ्राई करके रखी थी उन्हें भी ऐड कर दिया है और साथ में अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं खोया। तो खोए को डालते हुए भी हमें बराबर
तो ये बहुत ही इजी और ऑथेंटिक रेसिपी है खीर बनाने की, जो हमेशा से बनती चली आ रही है, और जिस तरह से हमारी शादियों में जो खीर बनती है वो बिल्कुल इसी तरह से बनती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी खीर। इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, मैक्सिमम आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। अगर आपके पास हाई फ्लेम अच्छे से है तो आप इसको 2 से 2.5 घंटे में बना सकते हैं। तो इसके बाद हम जब खोया ऐड करेंगे तो भी इसको हमें बराबर चलाते हुए पकाना है, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़ने पाएँ। तो बिल्कुल भी लम्स फ्री हमारी खीर बनकर तैयार होगी। तो आप चाहें तो इसी स्टेज पर सैफ्रन ऐड कर सकते हैं, ज़ाफ़रान। तो इससे खीर का कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, येलोइश कलर की बनती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ वाइट खीर बना रहे हैं। तो आप अगर सैफ्रन आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप इसकी जगह पर येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो देख लीजिए धीरे धीरे जो खीर का टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब ये लास्ट स्टेज है, यहाँ पर बिल्कुल भी चम्मच रोककर नहीं चलाना है, वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी और नीचे से खीर लगने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितनी गाढ़ी ज़बरदस्ती खीर हमारी बनकर तैयार हो गई। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी आपको 15 से 20 मिनट के लिए चलाते रहना चाहिए, क्योंकि जो वेसल होता है हमारा वो गर्म होता है, तो इससे भी खीर के लगने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो ये देख लीजिए दूसरे दिन खीर का टेक्सचर इस तरह से हो गया। तो खीर बनाने के फौरन बाद ढककर मत रखिएगा, इससे क्या होगा जो इसका पानी होता है पसीज कर जो अंदर जाता है उससे खीर ख़राब हो जाती है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 150 प्यालियों में मैंने खीर को निकाल लिया है। तो ये बहुत ही शानदार और लाजवाब बनी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो आप इसे ज़रूर स्टेप बाय स्टेप मेरे मेथड से फॉलो करिए और शानदार से खीर तैयार करिए। अगर आपको कोई सी भी एसेंस पसंद है तो आप इसमें केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, या शायद तो मीठा इतर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्किप किया हुआ है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये देख लीजिए कितनी शानदार और लाजवाब हमारी बिल्कुल शादियों वाली खीर बनकर तैयार है। तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी और लाजवाब बनी है, मुंह में पानी लाने वाली। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।